गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिमेनिंग है कंप्यूटर एज अ टीचिंग एड्स जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑडियो एड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम नॉन प्रोजेक्टेड एड्स का लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है कंप्यूटर एज अ टीचिंग एड्स। कंप्यूटर मेनली क्या होता है, अपन यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर भी, एजुकेशन के तौर पर भी कंप्यूटर का यूज़ हम करते हैं, और डाटास का ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रोसेसिंग के तौर पे ये सारे यूज़ होते हैं कंप्यूटर के। मेनली जो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ होता है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। और करंट में अभी हमारी जो कंट्री है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तो कंप्यूटर का यूज़ अपन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और कंप्यूटर जो है वो इन्फॉर्मेशन को काफ़ी टाइम तक, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ सेव करके रख सकता है, बहुत सारे डाटास को सेव करके रख सकता है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, कंप्यूटर जो पॉइंट है नेक्स्ट वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो पांच जो सेक्शन होते हैं उनसे बना होता है। सबसे पहले इसका जो पार्ट होगा वो होगा इनपुट, सेकंड आएगा जो है वो मेमोरी, स्टोरेज ऑफ मेमोरी, थर्ड जो आएगा वो है कंट्रोल यूनिट, फोर्थ आएगा लॉजिक यूनिट एंड फिफ्थ आएगा आउटपुट। ये सारे होते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, इन सब से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की मेन जो एक्चुअल जो पार्ट होता है वो होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। उसके अंदर क्या होता है, ये इसको हार्डवेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है या स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, एक स्ट्रक्चरल पार्ट है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी अपन यूज़ करते हैं, मेमोरी है, इनपुट है, आउटपुट है, लॉजिक यूनिट है, ये सारे सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। सेकंड आता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, डाटास को प्रोसेस करके और स्टोर करके रखता है, और बहुत सारी इसके अंदर लॉजिक यूनिट है, स्टोरेज होते हैं इसके अंदर बहुत सारे। तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सीपीयू। सीपीयू जो क्या करता है, डिवाइसेस सीपीयू जो होता है वो एक मैग्नेटिक कोर होता है, उसको स्टोर करके रखता है। बहुत सारे डिवाइसेस और मैग्नेटिक कोर्स जितने भी हैं, सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का पार्ट होता है, जो कि कैरी करता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को, डाटास को, और कम्युनिकेट करता है बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ आपस में। तो सीपीयू का ये वर्क होता है। सीपीयू के बाद में हम आते हैं कंप्यूटर एडिट इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर एडिट इंस्ट्रक्शन शॉर्ट में CAI। CAI जो होता है उसका मेन वर्क जो होता है वो इंडिपेंडेंट वर्क होता है। CAI का जो भी उस पर वर्क करता है वो इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंट वर्क करता है। और दूसरा जो है इसको अपन कंप्यूटर जो होता है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन के तौर पर भी अपन CAI का यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन के तौर पर भी CAI का यूज़ करते हैं। CAI के जो एडवांटेज है वो है सबसे पहले कि ये हैंडल करता है हैवी बॉडी को भी, हैवी बॉडी को भी हैंडल कर सकता है, मतलब लार्ज बॉडी को भी हैंडल कर सकता है, और ये 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक साथ में हैंडल कर सकता है। और हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी, ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, और ये मतलब क्या करता है, इंडिविजुअल टेस्टिंग या फिर जो टेस्ट वगैरह होते हैं इन सबको हैंडल करता है। और इसके अंदर ये मल्टी डायमेंशनल होता है। इसका CAI का जो एडवांटेज है वो है मल्टी डायमेंशनल होता है, जो कि आपकी क्या करता है, ग्राफिक और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होता है उसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स को देता है। नेक्स्ट जो आता है वो कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। ये CAI जो होता है वो कंप्यूटर की तरह एक टाइप का वर्क करता है, इंडिपेंडेंट स्टडी करता है, और इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है। और इसके अंदर जो होती है वो उसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बहुत सारे डाटास को स्टोर करके रखता है, और उसको अपन रिव्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और मैनी जो कोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स के वो भी सारे इसके अंदर अपन देख सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ CAI की लिमिटेशंस या बोल सकते हैं CAI की कमियाँ, सबसे पहले CAI क्या होता है, कंप्यूटर होता है एक टाइप का,
तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो ह्यूमन नहीं होता, दूसरा इमोशंस नहीं होते। ह्यूमन और इमोशंस नहीं होगा तो ये एक मैकेनिकल वर्क हो गया, जिससे कि मैकेनिकल वर्क की वजह से क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ जो स्कूल्स होते हैं उनमें एग्जाम्स के लिए अपन यूज़ करते हैं, या बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लैक बोर्ड्स नहीं होते हैं, वहाँ कंप्यूटर का यूज़ CAI होता है, उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज होती है, बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर होता है, और ये एक टाइप का मैकेनिकल कंट्रोल होता है जिससे आप कभी भी इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है, ये इंटरेक्ट नहीं करता डायरेक्ट कंप्यूटर से। जब अपन इंटरेक्ट करते हैं तो अपन मेंटल और फिजिकली फैटिक भी महसूस करते हैं, तो जैसे कि डायरेक्ट अपन ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं क्लास के अंदर टीचर के साथ, टीचर पढ़ा रहा है, तो उसके अंदर आप ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन कम होती है, मेंटली और फिजिकली फैटिक भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन कंप्यूटर के साथ अगर आप एजुकेशन करेंगे या कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें आप मेंटली और फिजिकली खुद को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करेंगे। और दूसरा जो होता है, इसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, और इसको आपको पंचिंग के द्वारा ही आपको रेस्पॉन्ड करता है जो, और इसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन इसकी एक कमी ये भी है कि इसके अंदर जजमेंट नहीं होता है, इसके अंदर कंसर्न नहीं होता है, कंसर्न क्लियर नहीं कर सकते आप, तो ये सारी जो है वो CAI की कमियां हैं। और CAI के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ यूनिट कंप्लीट होती है। थैंक यू।